प्यारे दोस्तों और पुण्य आत्माओं, ये एक बहुत अद्भुत घटना है और सीन है। जब पार्वती माँ की शिव जी से शादी होने का वक़्त आता है तो पार्वती माता की सखियें गौरी माता को समझाती हैं कि जिस शिव से तुम शादी कर रहे हो वो एक सन्यासी है, उसके पास सिर्फ एक बूढ़ा बैल है, वो शरीर पे भस्म लगाता है, मृगशाला डालता है, गले में काले नागों की माला है, घोट घोट के भंग पीता है, तुम ऐसे शिव से शादी न करो, तुम पछताओगी। उनको मालूम नहीं कि शिव कौन है। उधर गौरी माँ शिव की बाबत उनको क्या जवाब देती है, इसी पे विराग बनाते हैं। शिव तो ठहरे सन्यासी, गोरा पछताओगी, बूढ़े योगी संग कैसे अरे जिंदगी बिताओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी, गोरा पछताओगी, बूढ़े योगी संग कैसे अरे जिंदगी बिताओगी। तन पे भभूति उसके पहने मृग शाला है, देख देख नाग काले गोरा तुम तो डर जाओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी, गोरा पछताओगी, बूढ़े योगी संग कैसे अरे जिंदगी बिताओगी। आगे पीछे कोई नहीं है गोरा तेरे दूल्हे के, बैठ के ये हाल दिल का किसको तुम सुनाओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी, गोरा पछताओगी, बूढ़े योगी संग कैसे अरे जिंदगी बिताओगी। सखियां बोली गोरा से, ऐ सुनो मेरी गोरी, घोट घोट बांग तुम तो गोरा थक जाओगी, घोट घोट बांग तुम तो गोरा थक जाओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी, गोरा पछताओगी, बूढ़े योगी संग कैसे अरे जिंदगी बिताओगी, अरे जिंदगी बिताओगी। गौरा बोली सखियों से, ऐ सुनो मेरी सखियों, वह तो भोला भाला है, गले में नाग काला है, पहने है सर्पों की माला, वह तो डमरू वाला है, बैल की सवारी है, लगती कितनी प्यारी है। शिव तो ठहरे सन्यासी, गोरा पछताओगी, बूढ़े योगी संग कैसे अरे जिंदगी बिताओगी। गोरा बोली सखियों से, ऐ सुनो मेरी सखियां, ऐ सुनो मेरी सखियों, जैसा वर पाया है मैंने तुम कहां से पाओगी, जैसा वर पाया मैंने तुम कहां से पाओगी। शिव तो ठहरे सन्यासी, गोरा पछताओगी, बूढ़े योगी संग कैसे अरे जिंदगी बिताओगी, अरे जिंदगी बिताओगी। दोस्तों, ये एक अद्भुत वार्तालाप चल रही है गौरी माता और उनकी सखियों में। सखियों को नहीं मालूम कि ये महाशिव है, संपूर्ण ब्रह्मांड का नायक है, जिसको पार्वती माँ दिल से प्यार करती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। गौरी माता की जय हो। हर हर